हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्या करना है इसके अंदर, आए ध्यान से देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यहाँ पे बोल के रखा है कि 10 से लेकर 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, मतलब 4 से वो पूरी तरह से डिवाइड हो पाए। ठीक है, तो देखिए 10 के बाद पहला नंबर कौन सा आता है हमारे पास, सिंपल 10। तो क्या 10 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, 4 2 8 4 3 12 नहीं होता। तो लेते हैं नेक्स्ट नंबर जो है आपका 11। तो 11 क्या आपका 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे वो भी डिविजिबल नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 2 8 4 3 12 तो नहीं आता। अब यहाँ पे पहला जो नंबर होगा ना 4 से डिविजिबल, वो कौन सा होगा आपका 12, है ना, 4 3 12। अब उसके बाद हमें यहाँ पे पहला नंबर मिल गया, तो दूसरा नंबर सिंपल क्या मिलेगा, 4 3 12 4 4 16। अब इसी तरीके से 4 का मल्टीपल्स करते जाएंगे तो 4 5 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब के सब जो नंबर है वो 4 से मल्टीपल से 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो ये सिंपल हमारा एपी बनना शुरू हुआ कहां से, यहां से, है ना, यहां से। तो ये आपका कैंसर। अब यहां पे 250 तक हमें जाना है, तो देखिए क्या 250 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो नहीं डिवाइड होगा। 250 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसके एक कम करेंगे तो कितना आएगा आपका 249। तो 249 भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो जो पहला लास्ट नंबर होगा ना जो 4 से डिविजिबल होगा, वो कौन सा होगा आपका 248। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो 248 लास्ट नंबर होगा जो आपका 250 से पहले डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना ये है कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 से मल्टीपल रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे नंबर फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये है ना, लिख देता हूं मैं। ओके, तो हमें सिंपल यहाँ पे n फाइंड करना है, हमारे पास बाकी सारे सारे इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं उन सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए n हमारे पास सिंपल कितना आ गया, 248, तो n हो गया हमारे पास 248। उसके बाद a हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म, तो कितना है ये 12। उसके बाद n तो हमें फाइंड ही करना है ना, तो n हो गया आपका एज इट इज। और उसके बाद d, तो ये 4-4 के डिफरेंस में आगे बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इनके बीच में कितना मिलेगा आपका, 4 ही मिलेगा। तो d मिल गया हमें सिंपल यहाँ पे 4। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे a2 - a1 भी करके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे 4 मिल गया। अब इसको सिंपल हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं सिंपल इसमें पुट करता हूँ, तो n हमारे पास कितना है 248, उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास कितना है 12, प्लस n कितना है हमारे पास, वही तो हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज -1। और d की वैल्यू हमारे पास कितना है 4। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये जो है ये 12 इज इक्वल टू के इस अड़ा के क्या हो जाएगा 248 के साथ में -12 इज इक्वल टू ये एज इट इज। सॉल्व करते हैं आगे, तो 248 में से यहाँ पे 12 जाएगा, तो सिंपल कितना बन जाएगा आपका 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस n की, तो ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आप आके क्या हो जाएगा आपका इसके साथ में डिवाइड में। ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 59, बाकी सब के सब एज इट इज, तो यहाँ पे n माइनस 1। ओके, अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1। हमें एन की वैल्यू निकालना है, तो इसके साथ में माइनस 1 है, तो वो इज इक्वल टू के इस अड़ा के क्या हो जाएगा, 59 माइनस है तो इस अड़ा के प्लस 1 इज इक्वल टू एन। इसको जो सिंपल हम लोग प्लस करेंगे तो एन कितना मिल जाएगा हमारा यहाँ पे 59 प्लस 1 60। ठीक है, तो एन की वैल्यू आ गई 60। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका 12 से लेकर 250 तक में यहाँ पे कितना आपके मल्टीपल्स होंगे 4 के, तो यहाँ पे 60 मल्टीपल्स होंगे 4 के। ठीक है, तो ये था सिंपल आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।